गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, हाउ आर यू ऑल? ऑल आर फाइन, वेरी गुड स्टूडेंट्स. स्टूडेंट्स, आज हम लोग फिजिक्स का यूनिट नंबर वन स्टार्ट करने जा रहे हैं. यूनिट नंबर वन, दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक. सबसे पहले हम बात करेंगे व्हाट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक. सो इलेक्ट्रोस्टैटिक को समझने के लिए डियर स्टूडेंट्स, हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को टू पार्ट्स में डिवाइड करेंगे. वन इज इलेक्ट्रो एंड अदर इज व्हाट? स्टैटिक. वन इज इलेक्ट्रो, अदर इज स्टैटिक. डियर स्टूडेंट, इलेक्ट्रो का जो मीनिंग होता है दैट इज चार्ज. इलेक्ट्रो रिलेट टू व्हाट? विद चार्ज. एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्टैटिक? मेन रेस्ट. सो डियर स्टूडेंट, यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक के अंदर हमारा जो चार्ज रहेगा वो किस में रहने वाला है? रेस्ट में रहने वाला है. तो हम यहाँ लगा सकते हैं चार्ज एट रेस्ट. सो व्हाट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक? इलेक्ट्रोस्टैटिक इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स. इलेक्ट्रोस्टैटिक इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी स्टडी अबाउट चार्ज एट रेस्ट. यस स्टूडेंट, सो यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक इज व्हाट? सो आप इसकी डेफिनेशन लिखना चाहें तो लिख सकते हैं द ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी स्टडी अबाउट चार्जेस एट रेस्ट इज नॉन एज इलेक्ट्रोस्टैटिक. इलेक्ट्रोस्टैटिक. सो व्हाट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक? इट इज क्लियर. जहां पे चार्ज रेस्ट होगा और उस चार्ज के बारे में हम स्टडी करेंगे तो वो ब्रांच आपका क्या कहलाएगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक. सो डियर स्टूडेंट, इलेक्ट्रोस्टैटिक को हम लोग टू चैप्टर्स में डिवाइड करते हैं. कंप्लीट जो इलेक्ट्रोस्टैटिक की स्टडी करेंगे वो हमें टू चैप्टर्स में मिलने वाली है. ओह माय गॉड, इलेक्ट्रोस्टैटिक को हम टू पार्ट्स में डिवाइड करेंगे डियर स्टूडेंट. वन इज व्हाट? चैप्टर नंबर वन, दैट इज व्हाट? इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड. एंड चैप्टर नंबर टू, दैट इज व्हाट? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस. सो डियर स्टूडेंट्स, दीज आर टू चैप्टर्स विच आर कवर्ड इन इलेक्ट्रोस्टैटिक ब्रांच. सो लेट्स गो, वी स्टार्ट चैप्टर नंबर वन. दैट इज इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स. सो पहले हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में, देन आफ्टर वी हैव डिस्कस अबाउट इलेक्ट्रिक फील्ड. सो टुडेज आवर फर्स्ट टॉपिक इज व्हाट? इलेक्ट्रिक चार्ज. सो गाइस, व्हाट इज इलेक्ट्रिक चार्ज? बच्चा पार्टी, व्हाट इज इलेक्ट्रिक चार्ज? सो इलेक्ट्रिक चार्ज को आप समझने के लिए कुछ एक्टिविटी कर सकते हैं. एक बैलून लेंगे आप, इस बैलून को आप लोग ड्राई हेयर पे रब करें और उसको आप लोग वॉल के ऊपर स्टिक करें तो वो चिपक जाता है. सेम अगर एक पेन को आप छोटे छोटे पेपर पीसेस के पास लेके जाते हो तो वहाँ पे छोटे छोटे पेपर पीसेस पेन की तरफ अट्रैक्ट नहीं होंगे. कब तक? जब तक कि उस पेन को आप ड्राई हेयर में रब ना कर ले. जैसे आप उस पेन को ड्राई हेयर के अंदर रब करेंगे डियर स्टूडेंट, और रब करने बाद जो छोटे छोटे पेपर पीसेस के पास उसको लेके जाएंगे आप लोग, तो आप देख पाएंगे कि जो पेन है वो छोटे छोटे पेपर पीसेस को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने स्टार्ट कर देता है. सो ये जो प्रॉपर्टी आती है, चाहे वो बैलून की बात कर लो या फिर चाहे आप लोग पेन की बात कर लो, यही प्रॉपर्टी जो होती है, यही बेसिक प्रॉपर्टी जो है क्या कहलाती है? आपका इलेक्ट्रिक चार्ज कहलाती है. सो व्हाट इज इलेक्ट्रिक चार्ज? द बेसिक प्रॉपर्टी
द बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ ए मैटर और मटीरियल, द बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ ए मटीरियल विच एग्जर्ट और एक्सपीरियंस ए फोर्स मे बी रिपल्सिव और अट्रैक्टिव. फोर्स कैसा हो सकता है? रिपल्सिव और अट्रैक्टिव. सो द बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ ए मटीरियल विच एग्जर्ट और एक्सपीरियंस ए फोर्स ऑन अनदर मटीरियल. इज इट राइट? सो इस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रिक चार्ज. What is this? A basic property of a material which exert the force or experience the force. Force may be repulsive or may be attractive. Is known as electric charge. Okay student. Electric jo charge hai. Electric charge is denoted by. Electric charge is denoted by maybe capital Q or maybe small q. Capital Q या small q से आप इसको denote कर सकते हैं. अब बात आती है electric charge कैसी quantity है. It is a vector quantity और scalar quantity. So dear student, it is a scalar quantity. तो ये भी आपको याद रखना है. जो electric charge है वो कैसी quantity होती है? Scalar quantity होती है. जस्ट इसके अंदर मैग्नीट्यूड के बारे में बात होती है, आप इसमें डायरेक्शन की बातें नहीं करेंगे. और डियर स्टूडेंट, अगर हम बात करें इसका ऐसा यूनिट, तो ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज कूलम्ब. क्या लिख सकते हो आप? कूलम्ब. जिसको आप कैसे नोट करेंगे डियर स्टूडेंट? सी से आप लॉ डिनोट कर सकते हैं. कुलम इज द साइंटिस्ट सरनेम जिन्होंने इसके ऊपर स्टडी किया. उनको ऑनर देने के लिए चार्ज का जो यूनिट है वो कुलम हमने बना दिया. आगे कुलम्स लॉ भी हम लोग इसमें पढ़ेंगे डियर स्टूडेंट्स. सो दीज आर द बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ चार्ज. व्हाट इज चार्ज? किससे इसको डिनोट करेंगे? कैसी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी है. एंड इसका ऐसा यूनिट क्या होता है? कुलम होता है माई डियर स्टूडेंट्स. नाउ we have discussed about next topic about charge, that is what? Types of electric charge. So types of electric charge को discuss करने के लिए हम लोग सबसे पहले ड्यूफे ने जो experiment किए थे उनके बारे में discuss करेंगे dear student. ड्यूफे एक scientist थे. ड्यूफे बाबा ड्यूफे एक साइंटिस्ट हुआ करते थे अपने ज़माने के. ज़बरदस्त साइंटिस्ट हुआ करते थे माय डियर स्टूडेंट्स. सो उन्होंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए चार्ज के टाइप को डिफाइन करने के लिए. और उनमें से कुछ एक्सपेरिमेंट हम लोग यहाँ पे आपके सामने करने जा रहे हैं. सो डियर स्टूडेंट, उनका जो फर्स्ट एक्सपेरिमेंट मैं बता रहा हूँ आपको, एक्सपेरिमेंट नंबर वन जो है, उन्होंने क्या किया, एक ग्लास रोड को लिया और उसको सिल्क क्लॉथ के साथ रब किया. जस्ट एक ग्लास रोड समझ लीजिए. ग्लास रोड है, ये सिल्क क्लॉथ है आपके पास. जस्ट आपने इसको क्या किया, इसमें रब किया. और रब करने के बाद उसको आपने फ्रीली हैंग करवा दिया लाइक दैट. दिस इज योर ग्लास रोड. आपने इसको क्या किया, रब किया और यहाँ पे फ्रीली हैंग करवा दिया. देन आफ्टर उन्होंने अनदर ग्लास रोड लिया और उसी सिल्क क्लॉथ से रब किया और उस ग्लास रोड को इसको पास इसके पास लेके गए. उस ग्लास रोड को इसके पास लेके गए जो कि सिल्क क्लॉथ से रब की हुई थी. तो जैसे उस ग्लास रोड को इसके पास लेके गए, उन्होंने क्या देखा कि इन दोनों के बीच में रिपल्सन होना स्टार्ट हो गया. मतलब ये ग्लास रोड आगे की तरफ भागना स्टार्ट होना स्टार्ट कर गया. तो यहाँ पे क्या हो गया, रिपल्सन स्टार्ट हो गया. रिपेल करना स्टार्ट कर देती है ये वाले इसको. तो रिपल्सन विल बी हियर. सो ये ग्लास रोड इसको क्या कर रही है, रिपेल करना स्टार्ट कर देती है. ठीक है. देन आफ्टर उन्होंने दूसरा जो एक्सपेरिमेंट किया,
दूसरा एक्सपेरिमेंट जो किया उन्होंने, क्या किया, एक ग्लास रॉड को सिल्क क्लॉथ से रब किया और फ्रीली हैंग कर दिया। अब दूसरी जो रोड था वो ग्लास रोड ना लेके उन्होंने दूसरी रोड ले लिया, दूसरा मटेरियल ले लिया, दैट इज व्हाट प्लास्टिक रोड। दिस इज योर ग्लास रोड एंड सेकेंड वन इज व्हाट प्लास्टिक रोड। प्लास्टिक रोड को भी रब किया और इसके पास लेके आए। जैसे इसके पास लाए तो देखा कि यहाँ पे अट्रैक्ट करने लग गए थे ये एक दूसरे को। यहाँ पे तो रिपल्सन हो रहा था और यहाँ पे अट्रैक्शन हो रहा था, तो यहाँ पे अट्रैक्शन हुआ इन दोनों के बीच में। सो यहाँ से इस एक्सपेरिमेंट के अकॉर्डिंग ड्यूफे ने कंक्लूड किया, क्या कंक्लूड किया कि जब उन्होंने सेम मटेरियल लिया और दोनों को सिल्क क्लोथ से रब किया तो उनके ऊपर सेम टाइप का क्या होगा चार्ज, सेम टाइप की एक प्रॉपर्टी आई होगी, ठीक है। सो उन दोनों सेम टाइप की जो प्रॉपर्टी आई उसको हम बोल सकते हैं लाइक चार्ज। और यहाँ पे जब हमने डिफरेंट लिया तो इन दोनों पे जो प्रॉपर्टी आई होगी वो आपके पास अनलाइक चार्ज। इट मीन्स चार्ज एक टाइप का तो नहीं हो सकता है। यहाँ पे लाइक चार्जेस इनके ऊपर आए हैं, यहाँ पे अनलाइक चार्जेस आए हैं, मतलब डिफरेंट चार्ज इन दोनों के ऊपर आए हैं, डिफरेंट प्रॉपर्टी इन दोनों पे क्रिएट हुई क्योंकि ये अलग मटेरियल था, ये आपका अलग मटेरियल था। सो डियर स्टूडेंट, इन एक्सपेरिमेंट से उन्होंने कंक्लूड किया कि चार्ज जो है उसके कितने टाइप्स होंगे, टू टाइप्स। कितने टाइप होंगे, टू टाइप वहाँ पे होंगे डियर स्टूडेंट। अब सिर्फ इन्होंने एक्सपेरिमेंट करके टाइप्स के बारे में बता दिया बट इन्होंने नेमिंग नहीं की, इन्होंने इनकी नेमिंग नहीं की, इनके नाम नहीं बताए इन्होंने कि ये तो जो टाइप के चार्ज हैं इनके नेम क्या होंगे, सोनू मोनू होगा, राहुल बबीता होगा, क्या इनका नाम होगा, इन्होंने टाइप्स के बारे में बात नहीं की डियर स्टूडेंट। सो टाइप्स के बारे में, सॉरी, इन्होंने नेमिंग की बात इसमें नहीं की। तो नेमिंग के बारे में किसने बात की, तो उसके बारे में अगर हम बात करें तो अगर हम बात करते हैं नेमिंग ऑफ चार्जेज, अगर हम नेमिंग ऑफ चार्जेज की बात करें तो एक साइंटिस्ट थे अपने ज़माने के, बेंजामिन फ्रैंकलिन, ये भी अच्छे साइंटिस्ट थे। इन्होंने नेमिंग की चार्जेस की, इन्होंने नेमिंग कैसे की डियर स्टूडेंट। सो नेमिंग इन्होंने जो की, उन्होंने क्या किया, जो ग्लास रोड था जिसके साथ उसको रब किया था उसको उसी के साथ रख दिया गया, क्योंकि पहले तो उसके ऊपर एक प्रॉपर्टी आ गई थी जिसके कारण वो क्या कर रहा था, रिपेल या अट्रैक्ट कर रहा था किसी को, लेकिन जब दोनों को वापस से साथ देखा और थोड़ी देर बाद में देखा गया कि इनके ऊपर जो भी प्रॉपर्टी आई थी वो प्रॉपर्टी क्या हो गई थी, लॉस हो गई थी, कैंसिल हो गई थी। मीन्स ये ग्लास रोड ना तो किसी को अट्रैक्ट कर रही थी अपनी तरफ और ना ही ये रिपेल कर रही थी। सो यहाँ पे ये जो हुआ इसके अंदर, इसके अकॉर्डिंग बेंजामिन फ्रैंकलिन ने क्या बताया कि ऐसा तभी पॉसिबल है कि मैथमेटिक्स में अगर हमारे पास एक सेम नंबर हो और सेम नंबर से अगर मैग्नीट्यूड सेम है और हमें अगर यहाँ पे उसका रिजल्ट जीरो रिक्वायर्ड है, सो एक हमें पॉजिटिव लेना होगा और एक हमें कैसा लेना होगा, नेगेटिव लेना होगा। तो यहाँ से ये पॉजिटिव और नेगेटिव लेके, देखो पॉजिटिव टेन नेगेटिव लिया तो यहाँ पे हमारे पास रिजल्ट कितना है, जीरो। सेम दोनों पे चार्ज अगर जीरो हुआ तो इसका मतलब किसी एक पे पॉजिटिव चार्ज आया होगा और दूसरे पे नेगेटिव चार्ज आया होगा, उन दोनों का मैग्नीट्यूड क्या होगा, सेम। जैसे इन दोनों को एक दूसरे के पास रखा तो क्या हो गया, वो एक दूसरे के इफेक्ट को क्या कर देंगे, कैंसिल आउट कर देंगे। सो अकॉर्डिंग टू दिस इन्होंने जो नाम दिए चार्जेस के वो नाम क्या रखे, इन्होंने एक चार्ज का नाम क्या रख दिया, पॉजिटिव चार्ज, और दूसरे का नाम क्या रखते हैं माय डियर स्टूडेंट, नेगेटिव चार्ज। एक का नाम रखा पॉजिटिव चार्ज और दूसरे का नेगेटिव चार्ज रखते हैं माय डियर स्टूडेंट। साथ में इन्होंने बोला कि लाइक चार्जेस जो होंगे, लाइक चार्जेस क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपेल करेंगे। लाइक चार्ज जो होंगे वो क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, लाइक दैट पॉजिटिव ये क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपेल करेंगे। सेम अगर दो नेगेटिव चार्जेस हैं तो ये भी लाइक चार्जेस हो गए,
ये भी एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। साथ में इन्होंने बोला कि अनलाइक जो चार्जेस होंगे, अनलाइक जो चार्ज होंगे वो एक दूसरे को क्या करने वाले हैं, अट्रैक्ट, वो क्या करेंगे एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, लाइक दैट, एक प्लस एक माइनस, ये क्या करने वाले हैं एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। सेम अगर इधर नेगेटिव है इधर प्लस है तो अब ये क्या करेंगे एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। सो ये सारा कंक्लूड किया बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। देखो टाइप्स के बारे में किसने बताया, ड्यूफे ने, कुछ एक्सपेरिमेंट किए उन्होंने और एक्सपेरिमेंट के अकॉर्डिंग बताया कि चार्ज जो वो टू टाइप्स के होते हैं। देन आफ्टर नेमिंग किसने किया, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने, और जो नेमिंग किया वो सिंपल नेमिंग नहीं था, कुछ हटके नेमिंग था। उसके पीछे रीजन क्या था कि उन्होंने जो जो चार्ज बॉडी थी हमारे पास दोनों को एक दूसरे के साथ रख दिया और थोड़ी देर बाद में देखा कि उनके ऊपर चार्ज लॉस हो गया, मतलब न्यूट्रल हो गई वो दोनों बॉडी। और ऐसा कब पॉसिबल है मैथमेटिक्स के अंदर, जब दो सेम नंबर हम लॉग लेते हैं डिफरेंट नेचर के तो उनका जो रिजल्ट होता है वो जीरो होता है, ठीक है ना, एक प्लस में और एक माइनस में। अकॉर्डिंग टू दिस उन्होंने नाम रख दिया एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज, एक का नाम रख दिया पॉजिटिव चार्ज और दूसरे का नाम रख दिया नेगेटिव चार्ज। सो दीज आर द टाइप्स ऑफ चार्जेस एंड देयर नेमिंग। अब बात करते हैं कॉज ऑफ, इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये भी, कॉज ऑफ चार्जिंग ए बॉडी। यस, दिमाग की बत्ती जलनी बहुत जरूरी है डियर स्टूडेंट। सो डियर स्टूडेंट, जब हमने इस पेन को ड्राई हेयर के साथ रब किया सो ऐसा क्या हुआ कि इसके ऊपर एक प्रॉपर्टी जनरेट हो गई जिसको हमने बोला इलेक्ट्रिक चार्ज। ये कैसे इस पे प्रॉपर्टी आई, सो किसी भी बॉडी को चार्ज करने के पीछे क्या कोज है, अगर उसकी स्टडी करें तो हम थोड़ा सा केमिस्ट्री में चलेंगे और एटम स्ट्रक्चर के बारे में हम थोड़ा बात करेंगे। जो एटम का स्ट्रक्चर होता है वो कुछ ऐसा होता है लाइक दैट, सबसे अंदर जो होता है वो न्यूक्लियस होता है और आउटर में ये जो होते हैं ये ऑर्बिट होते हैं। न्यूक्लियस में कौन कौन बैठा रहता है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। ऑर्बिट में कौन रहता है माय डियर स्टूडेंट, इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं। जो आउटर मोस्ट आपके पास ऑर्बिट होता है उसमें इलेक्ट्रॉन लूजली बॉन्डेड होते हैं एज कम्पेयर टू इनर जो आपके पास ऑर्बिट होता है, सॉरी। सो डियर स्टूडेंट, यहाँ पे ये जो आपके पास स्ट्रक्चर है अगर हम इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करें तो हमें पता है कि जो न्यूट्रॉन है आपके पास में, जो न्यूट्रॉन होता है उसके ऊपर चार्ज नहीं होता है, वहाँ पे चार्ज कितना होता है जीरो, आप लिख सकते हो न्यूट्रॉन पे चार्ज नहीं होता है। अगर हम बात करें इलेक्ट्रॉन की, सो डियर स्टूडेंट इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज होता है कैसा होता है, सॉरी नेगेटिव चार्ज होता है। इलेक्ट्रॉन पे कैसा चार्ज होगा माय डियर स्टूडेंट, नेगेटिव चार्ज होगा। और एक इलेक्ट्रॉन कितना चार्ज कैरी फॉरवर्ड करता है, 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम। मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूँ, नेगेटिव साइन इसके साथ आएगा, ओके। ऐसे ही अगर हम प्रोटॉन की बात करें तो डियर स्टूडेंट प्रोटॉन पे चार्ज कैसा होता है, पॉजिटिव होता है। और एक प्रोटॉन कितना चार्ज कैरी करता है, 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम। सो ये पॉजिटिव रहेगा और ये आपका नेगेटिव रहता है। साथ में अगर एटम हमारे पास न्यूट्रल है, एटम कैसा है, न्यूट्रल है, तो न्यूट्रल इलेक्ट्रॉन एटम के लिए आप याद रखना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन। मतलब किसी भी एटम के अंदर अगर वो न्यूट्रल है तो उसमें जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने उसमें क्या मिलेंगे आपको, प्रोटॉन मिलेंगे। इसी थ्योरी को हम लोग यूज़ करते हैं और इस थ्योरी को यूज करके हम बताएंगे कि व्हाट इज द कॉज ऑफ चार्जिंग ए बॉडी। तो ये तो आपने जस्ट डिस्कस किया अबाउट एटम का स्ट्रक्चर। सो डियर स्टूडेंट अब हम क्या करते हैं, अब हम लोग दो बॉडी लेते हैं, बॉडी ए और बॉडी बी, बॉडी ए और बॉडी बी। अगर हम बात करें बिफोर रबिंग, बिफोर रबिंग जैसे अपने याद हो आपने पेन को क्या किया था, ड्राई हेयर में रब किया था। सो ये आपका मान लो पेन है और दिस इज योर हेयर, ये आपके पास ड्राई हेयर है, ठीक है। सो अब दोनों को हमें रब करना, रब करने से पहले अगर हम बात करें तो इस पे जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है उतने क्या होंगे, नंबर ऑफ प्रोटॉन, क्योंकि न्यूट्रल है। इस पे भी जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे उतने क्या होंगे, इसमें प्रोटॉन होंगे। ये कंडीशन होगी, ये कंडीशन कब होगी, बिफोर रबिंग, बिफोर रबिंग, क्लियर। अब जैसे हम इनको रब करेंगे तो रब करने पर वॉट विल हैपन, रब करने पे होता क्या है डियर स्टूडेंट, रब करने पे
एक्चुअली में होता क्या, जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो लूजली बॉन्डेड होते हैं, और जैसे आप रब करते हैं तो उनको थोड़ा एनर्जी मिलेगा, और एनर्जी मिलते ही वो एक्साइटेड होके वो अपने ऑर्बिट को छोड़ देते हैं, ऑर्बिट से बाहर आ जाते हैं, ठीक है। सो डियर स्टूडेंट, यहाँ पे जब वो इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट से बाहर आते हैं तो मे बी वो ए से बी पे जाएंगे या बी से ए पे आएंगे, किसी पे भी हो सकता है, बट हम यहाँ कंसिडर कर लेते हैं कि कुछ इलेक्ट्रॉन जो है बॉडी ए से बॉडी बी पे ट्रांसफर हो गए जब हमने क्या किया, रब किया। तो रब करने पे देखो यहाँ से कुछ इलेक्ट्रॉन इधर चले गए हैं, तो यहाँ से कुछ इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर गए हैं डियर स्टूडेंट, तो 100% इसमें इलेक्ट्रॉन कम हो गए और प्रोटॉन ज़्यादा हो जाएंगे, तो इसकी कंडीशन हो जाएगी इलेक्ट्रॉन इज लेस देन नंबर ऑफ प्रोटॉन, और इसके लिए कंडीशन हो जाएगी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ प्रोटॉन। सो गाइस यहाँ पे देखो, क्योंकि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के ऊपर जो चार्ज होता है उसका मैग्नीट्यूड सेम होता है, बट यहाँ पे कंडीशन देखिए क्या होगा, प्रोटॉन एक्सेस में आ जाएंगे, मतलब कुछ इलेक्ट्रॉन कुछ प्रोटॉन को क्या कर देंगे, खत्म कर देंगे, लेकिन फिर भी इसमें एक्सेस में कौन रहेगा, प्रोटॉन, और प्रोटॉन पे चार्ज कैसा होता है, पॉजिटिव, तो ये बॉडी कैसी चार्ज हो जाती है, पॉजिटिवली, और ये वाली बॉडी कैसी चार्ज हो जाएगी, नेगेटिवली, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ज़्यादा, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज नेगेटिव होता है, नेगेटिवली चार्ज हो जाएगी। तो यहाँ पे ट्रांसफर किसका हुआ है, इलेक्ट्रॉन का, सो यही आपके पास कोज है, तो ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज द कोज ऑफ, चार्जिंग ए बॉडी। तो सिंपल ये क्वेश्चन आपके पास पूछा जा सकता है, किसी भी कंपटीशन एग्जाम से आपसे पूछा जा सकता है, 1 मार्क्स में ये क्वेश्चन आपका आ सकता है। अब एक क्वेश्चन दिमाग में आता है डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन दिमाग में क्या आता है कि सर न्यूट्रॉन पे तो चलो आपका चार्ज नहीं होता है बट प्रोटॉन पे तो होता है, तो क्या प्रोटॉन का ट्रांसफर होने पे बॉडी चार्ज नहीं हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है डियर स्टूडेंट, बट रीजन क्या है कि जो प्रोटॉन है वो ईजिली ट्रांसफर नहीं हो सकता है, उसके पीछे 2 रीज़न है। तो आपने देखा कि जो एटम का स्ट्रक्चर है वहाँ पे है, प्रोटॉन है कहाँ पे, न्यूक्लियस के अंदर, यहाँ न्यूट्रॉन और प्रोटॉन बैठा हुआ है, और इलेक्ट्रॉन आउटर ऑर्बिट के अंदर था, तो देखो रब करने पे ये इजिली टूट सकता था क्योंकि ये लूजली बॉन्डेड था, ये कैसा था हमारे पास में, लूजली बॉन्डेड है, और ये यहाँ पे जो बैठा हुआ है प्रोटॉन ये टाइटली बॉन्डेड है आपके पास में, ये कैसा बॉन्डेड है, टाइटली बॉन्डेड है, तो यहाँ पे देखो इसको आपको यहाँ से हटाना मुश्किल होगा एज कम्पेयर टू दिस, आप थोड़ा सा फोर्स लगाएंगे इसी से ये टूट जाएगा, इसको थोड़ी सी एनर्जी मिलेगी तो ये यहाँ से क्या हो जाएगा, ऑर्बिट से बाहर आ जाएगा, बट इसको बाहर करने के लिए काफ़ी एनर्जी की रिक्वायरमेंट आपको होगी। सो यहाँ पे फर्स्ट रीजन क्या है कि जो आपके पास जो प्रोटॉन होता है वो न्यूक्लियस के अंदर टाइटली बॉन्डेड होता है, इलेक्ट्रॉन की कुछ कंडीशन ऐसी होती है, जैसे ये मैंने इस पेन को बहुत ईजिली हल्के से ऐसे पकड़ा हुआ है, और किसी स्टूडेंट को बोल दूँ कि बेटा मेरे से ये पेन छुड़वा लो आप, तो आप आगे आराम से ऐसे छुड़वा सकते हैं, समझ पा रहे हो, बहुत कम एनर्जी में आप इसको यहाँ से मेरे से बाहर छुड़वा सकते हैं, सेम इलेक्ट्रॉन यहाँ से ऐसे बाहर आ सकता है, बट प्रोटॉन की कंडीशन कुछ ऐसी होती है डियर स्टूडेंट, अब मैं बोलूँ इस पेन को छुड़वाओ मुझसे तो आप आएंगे पकड़ेंगे, हो सकता है मुझसे छुड़वा लें, लेकिन आपको काफ़ी ज़्यादा एनर्जी इस पर लगानी पड़ेगी, काफ़ी ज़्यादा फोर्स आपको इस पर अप्लाई करना पड़ेगा, तब जाके आप क्या कर सकते हैं, इसको ट्रांसफ़र कर सकते हैं, छुड़वा सकते हैं, लेकिन तब तक तो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हो चुके होंगे और बॉडी चार्ज हो चुकी होगी। तो फर्स्ट रीज़न तो ये है, और जो दूसरा रीज़न है माय डियर स्टूडेंट वो क्या है कि जो मास होता है प्रोटॉन का वो ज़्यादा होता है किससे, इलेक्ट्रॉन से, मास ऑफ प्रोटॉन इज ग्रेटर देन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, बात करें इस पे मास जो होता है दैट इज व्हाट 1.67 × 10⁻²⁷ kg, और इलेक्ट्रॉन पे जो होता है वो 9.1 × 10⁻³³ kg, ये आपके पास मास होता है। सो गाइज यहाँ पे 2 रीजन होते हैं ट्रांसफर ना होने के प्रोटॉन के, एक होता है वो टाइटली बॉन्डेड होता है न्यूक्लियस में, दूसरा उसका मास जो होता है एज कम्पेयर टू इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होता है, तो दीज आर 2 रीजन्स जिनके कारण कोई भी बॉडी जो है इजिली ट्रांसफ़र नहीं कर पाती है प्रोटॉन्स को, ठीक है ना। सो गाइज दिस इज द कॉज ऑफ चार्जिंग ए बॉडी। नाउ नेक्स्ट टॉपिक हमारा होगा मेथड्स ऑफ चार्जिंग ए बॉडी। ये टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में क्लियर करेंगे डियर स्टूडेंट, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, एंड लास्ट में एक बात बोलूँगा डियर स्टूडेंट्स, डू वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू बट नेवर ट्रबल योर पेरेंट्स।
आप कुछ भी करें बट अपने पेरेंट्स को कभी भी ट्रबल में ना लेके आएँ, उनको दुखी ना करें. थैंक यू सो मच.